हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर पार्ट टू है ईवीएस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और ये पेज नंबर 16 to 20, चैप्टर ये टू है, ईयर टू ईयर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेगा, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी साथ में मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे, और पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पार्ट वन जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स। तो इसमें आपको बोल रहा है कि जो आपने पीछे कुछ आपने लिस्ट देखा उसमें मेंशन था, कुछ एनिमल्स मेंशन लिस्ट थे, जो वो लिस्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक मिनट, ये रहा, ऐसे जो लिस्ट आप पिछले पेज पर आप पढ़ चुके हैं अपने बुक में। तो जो ये कुछ टेबल्स दिए गए हैं यहाँ पे, इस टेबल में से आपको सिलेक्ट करना है क्या, उसको मैं आपको बताऊंगी कि क्या है यहाँ लिखा हुआ है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन ग्रीन बॉक्स। तो इसमें आपको उस जो लिस्ट अभी आपको मैंने दिखाया, इस लिस्ट में से आपको पता करना है उनके नाम, कुछ उनके नाम पता करना है जो ईग देते हैं, ले ईग्स, जो अंडे देते हैं, उनके जो उन लिस्ट जो अंडे देते हैं उनको उनको सिलेक्ट करके आपको किस बॉक्स में, ये ग्रीन बॉक्स है। ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स में आपको जो ले ईग्स जो अंडे देते हैं उनको उनके नाम यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सेकंड क्या है, विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। और जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जो बर्थ यानी बेबी, बर्थ टू बेबीज, जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, तो दे राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, और उनको आपको रेड बॉक्स में फिल करने हैं, यहाँ पे आपको रेड बॉक्स में फिल करने हैं उनके नाम। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो ये रहा, एनिमल्स इन द लिस्ट दैट गिव बर्थ टू बेबीज। तो जो ये बच्चे देते हैं उनके नाम यहाँ लिखना है। तो बच्चे कौन कौन देता है, डियर, हिरन, बुफेलो, भैंस, पिग, सुअर, एलिफेंट, हाथी, कैट, बिल्ली एंड फॉक्स, लोमड़ी। ये लोग क्या है, ये लोग बच्चे देते हैं। और सेकेंड ग्रीन बॉक्स में क्या दिया गया, एनिमल इन द लिस्ट दैट ले एग्स, जो जो अंडे देते हैं उनके नाम लिखने हैं, और ये ग्रीन बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया फ्रॉग, फीस, ये लोग क्या ईग देते हैं, क्रो, कौवा, स्नैक, सांप एंड लिजार्ड, छिपकली एंड चीटी, डक, बत्तख एंड स्पैरो, ये लोग क्या है, ये लोग ईग देते हैं। ठीक है, तो उनके नाम यहाँ पे लिखना था, तो ये हम लोग ने मेंशन कर दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। तो अब आपने देखा होगा जो पिछले प्रीवियस पेज यानी पिछले पेज में आपने उस टेबल में आपने देखा क्या देखा, ड्रा ए लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल्स हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स। जो जो आपके वो ग्रीन बॉक्स में हैं, उन जो ग्रीन बॉक्स में जो नाम आपने लिखा है उन नामों को आपको क्या करने हैं, उसमें से आपको वो अंडरलाइन करने हैं। क्या दिया है, अंडरलाइन करना है उनके उन नामों को, उस टेबल में से सिलेक्ट करना है। कौन सा टेबल, मैं अभी एक मिनट आपको दिखाती हूँ ये। और नेक्स्ट क्या है, पुट द सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दूज एनिमल्स नेम आर इन द रेड बॉक्स। जो रेड बॉक्स में है उनको आपको सर्कल सर्कल करने हैं, तो उसको आपको सिलेक्ट करके करने हैं। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट दिखाते हैं, आपको ये देखिए था, इसलिए मैंने आपको ये टेबल लेके आई थी। तो जो ईग देते हैं उनको ग्रीन बॉक्स में आपको करना है। तो ईग कौन देता है, उसके नीचे आपको जो ईग देता है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ईग कौन देता है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग, इसको लोगों एक मिनट कलर लेते हैं। जो ग्रीन बॉक्स में है उनको आपको अंडरलाइन करना है, क्रो, डक, लिजार्ड, ठीक है,
और ये पीजन, स्पायरो, जो ग्रीन बॉक्स में आपने जो किया था उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और जो रेड बॉक्स में थे वो उनको आपको सर्कल बनाने हैं। ये सब देखिए, स्पायरो, पीजन, ये सब अंडरलाइन रहेगा आपका, ठीक है। हैं ये सब इग देते हैं, इसके लिए अंडरलाइन करना था। और सर्कल जो बच्चे देते हैं उनको आपको सर्कल बनाने थे, उन बॉक्स को देखिए, इसको आप सर्कल बना ही लीजिएगा, आपके प्रीवियस पेज पे होगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक पेज आपको यहाँ पे देखिए, काऊ, कैट, फॉक्स, स्वीप, कैमल, माउस, बुफेलो, इसको आपको सर्कल बनाना है, क्योंकि ये लोग बेबी जन्म देते हैं, ठीक है। जिराफ, पीग, कैमल, काऊ, फैक्स, बुफेलो, कैट, माउस, यानी सब रहेगा आपका, ये सब सर्कल रहेगा, क्योंकि ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। और जिन्होंने एक जो एक देते हैं उनको उसके नीचे अंडरलाइन करना था। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, रेड लाइन हो गया, जो बच्चे देते हैं उनको सर्कल करना था, राइट हो गया। सो व्हाट डिड यू नोट, क्या आपने ये नोट किया, दोज एनिमल्स दोज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। तो क्या आपने कुछ एनिमल्स के जो जिसके हम कान देख सकते हैं, जिसके ईयर यू कैन सी, जिसके हम जिन एनिमल्स के कान हम देख सकते हैं, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उनके बॉडी पे क्या होता है, हेयर, उनके बाल भी होते हैं बॉडी पे, ठीक है। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द, तो नेक्स्ट क्या है आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये आपने पढ़ा ही है, तो यहाँ पे लिखा है दोज एनिमल्स हूज ईयर वी कैन सी, इसके आंसर हैं, ये किसके आंसर है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, सो व्हाट डिड यू नोट, ये क्वेश्चन है और इसके ये आंसर हैं। तो दोज एनिमल्स दोज ईयर्स ईयर कैन सी हु हेयर सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, तो जो जिनके कान हम देख सकते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, और कुछ एनिमल्स हमने ऐसे देखा है, गिव बर्थ टू द यंग वन, वे क्या हुए, बच्चे देते हैं, जिनके हम कान दे सकते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, ठीक है, जन्म वो बच्चे को जन्म देते हैं। और दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर ऑन द आउटसाइड, कुछ एनिमल दोज यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर से कान हमको बाहर से कान नहीं दिखाते, आउटसाइड हमें कान नहीं दिखते, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और ना ही उनके शरीर पे बाल भी होता है, बाल भी नहीं उनके शरीर पे होता, ना उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। दीज एनिमल्स ले एग, वो एनिमल्स क्या करते हैं, वे इग देते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया, मैंने आपको ये कई क्वेश्चन के तौर से आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट ही मैंने करा दिया, यंग वन वही चीज़ है, दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर टू ऑन द आउटसाइड, कुछ लोग के कान बाहर से आउटसाइड से बाहर से नहीं दिखते, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, तो वो उनके बाल भी नहीं दिखाते, दीज एनिमल्स ले एग्स वे अंडे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड यूर हाउस आर स्कूल दैट हैव ए स्मॉल बेबीज राइट देयर नेम इन द योर नोटबुक, तो आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे अपने आसपास, घर के आसपास, आपके स्कूल के या स्कूल के आसपास कुछ ऐसे छोटे बच्चे होंगे, उनके आप जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। तो ये नोटबुक में आप लिख लीजिएगा कुछ ये आंसर हैं इसके, जैसे डॉग के देखते हैं, पिग के, कैट, रैट, ईटीसी इत्यादि, यानी आदि के हम लोग अपने स्कूल के हाउस के नियर अबाउट चारों तरफ हम लोग देखते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे इनके, ठीक है, स्मॉल बेबीज होते हैं सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू इवर केप्ट ए पेट, डज एनी वन यू नो कीप ए पेट, तो आपने कुछ ऐसे
पालतू जानवर भी देखे होंगे। और डज एनीवन यू नो कीप योर, अब उसको कैसे रखते हैं, उस पालतू जानवर को कैसे, क्या कैसे एनिमल्स होते हैं वो, तो वो पेट एनिमल हो सकते। आई हैव पेट डॉग, वे पालतू होते हैं। पालतू कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉग और ये पैरेट, ये लोग पालतू होते हैं, ठीक है, घरेलू, ये घरेलू एनिमल्स होते हैं। फाइंड आउट हो मोर अबाउट द पेट, आपको पता करना है उनके बारे में, पेट एनिमल के बारे में। विच एनिमल इज इट, तो जो एनिमल हैं वो कौन कौन से एनिमल हैं जो पेट एनिमल होते हैं। दीज आर ए डॉग एंड ए पैरेट, ये आप लिख सकते हैं कि जो कुछ डॉग एंड ये पैरेट्स, ये क्या है, हमारे पेट एनिमल है, ठीक है, पालतू जानवर यानी बोल सकते हैं घरेलू जानवर बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट हैव ए नेम, तो उनके उनके नेम क्या होते हैं, व्हाट इज इट, उनके नाम क्या हैं, बताना है आपको, पता करना उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो यस वी कॉल डॉग, डॉग का हम अक्सर नाम सुनते होंगे, आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे, टॉमी होता है जैसे नाम, एंड पैरेट का मिट्टी मिट्टी मिट्टू लोग बोलते हैं, तो इनके नाम भी होते हैं अलग अलग, जैसे हम लोग के नाम होते हैं वैसे इन लोग के पालतू एनिमल्स के भी नाम होते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव दिस नेम, तो उनके नाम कौन देता है, उनके नाम कौन देता है जो उनके पेट एनिमल होल से हमारे घरेलू जो होते हैं उनके, हम लोग वी गेव दीज नेम्स, उनके नाम हम ही लोग रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ईट लाइक टू ईट, तो आपको पता है वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, डॉग ईट मीट, डॉग क्या खाता है, वो मीट खाता है, राइस ब्रेड इटीसी, एंड पैरेट ईट्स चिली, पैरेट्स को क्या पसंद है, चिली पसंद है, उसको ग्रीन ग्रीन चिली, रेड रेड चिली पसंद है, एंड ग्राम चना भी पसंद है इत्यादि, ठीक है। इटीसी हाउ मेनी टाइम्स ए डे इज ईट गिवन फूड, तो आपको पता है वो कितने टाइम उनको खाना दिया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम जो वो होते हैं पेट एनिमल उनको हम कितने बार खाना देते हैं, तो यूजली थ्राइस ए डे, उनको हम लोग तीन बार मैक्सिमम तीन बार, सामान्यतः तीन बार दे सकते हैं वन डे में, ठीक है, ए डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज ईट स्लीप फॉर हाउ लॉन्ग डज ईट स्लीप, ये क्या आपको पता है वो कितने घंटे सोते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सोता है, तो डॉग यूजली स्लीप इन द डे फॉर अबाउट 5 to 6 hours, जो डॉग होते हैं वो सामान्यतः 5 से 6 घंटा ही सोते हैं दिन में। एंड पैरेट यूजली सामान्यतः स्लीप इन द नाइट फॉर अबाउट 8 to 10 hours, तो ये जो पैरेट होते हैं ये 8 to 10 hours सोते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल हाउ, तो इसमें पूछ रहा है आपका वो उनका देखभाल कौन करता है, उनकी साफ सफाई कौन करता है और कैसे करते हैं, तो उसका कौन करता है, तो वी क्लीन एंड बाथ देम रेगुलरली, तो उनके हम लोग उनके देखभाल हम लोग करते हैं, क्लीन उनका करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी साफ सफाई, उनका खाना खिलाना, उनके जैसे छोटे बच्चों का केयर करते हैं ना अपने, वैसे हम अपने पेट एनिमल्स की भी केयर करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट गेट एंग्री वेन, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, तो आपको पता है वो भी नाराज होते हैं, और कब नाराज होते हैं और कैसे नाराज होते हैं ये आपको पता है, दे गेट एंग्री जब वे नाराज होते हैं, वेन दे सी नो पर्सन, जब वो अनजान व्यक्ति को देखते हैं ना तो पेट एनिमल नाराज हो जाते हैं, ठीक है, दे गेट एंग्री, वे बहुत नाराज हो जाते हैं, वेन जब दे गेट एंग्री दे यूजली सूट अलाउड, तब वो लोग क्या आवाज़ें निकालने लगते हैं, जब वो अननोन पर्सन आते हैं, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो हमारे पेट एनिमल उसे वो उनके ऊपर आवाज़ें निकालने लगता है, तो आप समझ जाइए कि ये अननोन
पर्सन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। डज इट हैव हेयर ऑन फीदर ऑन इट्स स्किन, तो क्या आपको जो आपके पेट एनिमल्स हैं क्या उनके पंख हैं या उनके शरीर पे बाल है या पंख हैं, उनके स्किन पर उनकी स्किन कैसी है, तो आप आंसर देंगे जैसे डॉग अगर आपके घर है पेट एनिमल्स तो डॉग हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी एंड पैरेट हैज फीदर बट नो हेयर ऑन इट्स बॉडी। जो डॉग है उनके उनके भी शरीर पे बाल होते हैं, डॉग के भी शरीर पे बाल होते हैं एंड पैरेट हैज फीदर और पैरेट के भी के पंख होते हैं बट लेकिन नो हेयर ऑन इट्स बॉडी, लेकिन इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। किसके शरीर पे? पैरेट के, पैरेट के स्किन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप उनके कान देख सकते हैं, तो जो आपके पेट एनिमल्स हैं तो आंसर होगा आई कैन सी द डॉग ईयर्स, जो हम डॉग है वो कुत्ता है उसके हम लोग ईयर्स को क्या करते हैं हम इजली देख सकते हैं, लेकिन बट लेकिन पैरेट पैरेट्स ईयर्स कैन नॉट बी सीन, लेकिन ये पैरेट्स के हम लोग कान नहीं दिखते हैं इजली क्योंकि वो तो छोटे से होल होते हैं पैरेट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ए हैप्पी बेबी आर ए यंग एनिमल्स आर ए फुल ग्रो एनिमल, तो क्या उनके भी उनके बेबी से बड़े होते हैं एनिमल्स, तो यस उनके भी वो भी एनिमल्स बड़े होते हैं, बस छोटे से बड़े होते हैं, उन लोगों का भी ग्रो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल दिस पेट एनिमल्स ले एग आर गिव बर्थ टू बेबी, तो जो हमारे पेट एनिमल्स हैं कुछ एग देते हैं या बेबी देते हैं, क्या हमें देते हैं ये आपको पता करना है आपके। तो आंसर है द डॉग गिव बर्थ टू बेबीज, जो डॉग होता है वो बेबी बर्थ टू बेबीज वो बच्चे को जन्म देता है, और वाइल ए पैरेट ले एग्स, और पैरेट जो क्या आता है वो एग देता है। डज इट हैव यंग वन, तो इसमें से ये आपके कोई एक है, नो ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्या करना है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस, तो जो अपने पेट एनिमल्स के अपने पसंद से आप लोग कोई एनिमल्स का एनी एनिमल, ठीक है, एनी एनिमल्स की यहाँ पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर भी आपको कर लीजिएगा, ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं, लुक एट दिस पिक्चर कलर द पार्ट विच हैव सीन नंबर्स 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स, तो इसको आपको पिक्चर को आपको देखना है, इसमें इवेन नंबर यानी जो सम संख्या होती है, इवेन नंबर यानी सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इसमें जो आपको 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को आपको कलर करने, उसको पता करना है और उसको आपको कलर करने हैं। तो इसमें 2 से डिवाइड होने वाले नंबर सम संख्या जिसको बोलते हैं, तो इसमें देखिए 100 जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो जैसे 4 हो गया, ये देखिए यह एक डायनासोर का पिक्चर बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह एक डायनासोर का पिक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो ये इसके पैर हैं, ऐसे कलर जब करेंगे ना तो ये डायनासोर इसके देखिए, ये देखिए ऐसे कलर जब करेंगे तो एक डायनासोर ड्रा होगा अच्छा से, अच्छा इसका लुक आएगा, ठीक है, एक डायनासोर का पिक्चर बनेगा, तो इसको तो आप कलर्स कर सकते हैं। मेनी 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 ईयर्स एगो दियर वेयर डायनासोर ऑन द अर्थ, बहुत पहले ही कुछ साल पहले ही डायनासोर हमारे पृथ्वी पे अब नहीं है, ठीक है, अब वो नहीं दिखते हैं, बट लेकिन नॉट एनी मोर, लेकिन कहीं कहीं पिक्चर में आपको ये मिलेगा, नाउ वी
सी देम इन फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, फोटोज में, बुक में। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। तो आपको ये पता करना है कि डायनासोर आप कहाँ देखे हैं, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ऐसे कुछ डायनासोर अब हमारे धरती पे नहीं है, अर्थ पे अब हमारे लुप्त हो गया है, वो हमारे दिखता नहीं है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक ए लिटिल लाइक डायनासोर, डिड यू नो इट्स नेम। तो ऐसे जानवर आपको और कोई दिखता है तो उसके आपको नाम लिखने हैं। तो यस, आई हैव सीन एन एनिमल्स दैट लुक लिटिल लाइक ए डायनासोर, इट इज नेम इज लिजार्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम ऐसे कुछ लिजार्ड हैं जो देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर इल्डर, तो इवर फ्यू आंसर ये हैं आपके। और नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं, लुक एट द एनिमल्स राइट इट नेम, डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल एनिमल्स। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किसका पिक्चर है, तो ये एक टाइगर का पिक्चर है, ये हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, टाइगर, ठीक है। तो इट इज नेम इज टाइगर, इसका नाम टाइगर है। यस, आई नो दिस इज अवर नेशनल एनिमल, तो इसको हमारा, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, नेशनल एनिमल्स है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इट लिव, तो वे कहाँ रहते हैं, तो लिव है, तो दे लिव इन द विल्ड फॉरेस्ट ग्रास लैंड, ये जंगल में रहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, द नंबर्स ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन द इंडिया, तो अभी हमारे इसके नंबर्स क्या है इंडिया में, इसकी संख्या भी, नंबर ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग, ये कम होते जा रहे हैं। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपेंड, डिस्कस कुड बी हैपेंड, तो इसके बारे में क्या दिया है, द नंबर इज टाइगर इज गोइंग ऑन डाउन इन द इंडिया, इस जो हमारे इंडिया में है टाइगर की संख्या कम होते जा रही, बिकॉज क्योंकि ऑफ द सेवरल कॉज सम ऑफ द केस आप गिवेन हेयर पीपुल हंट दे फॉर देयर बोन्स एंड स्किन, इसके इसलिए कुछ केस ऐसे देखने को मिले हैं। इनके क्या देते हैं हमको, इनसे क्या हमें मिलता है, इनके लोग बोन्स का यूज होता है और इसकी स्किन का भी यूज होता है, लोग शिकार करते हैं इसलिए कम हो रहे हैं। फॉरगेस्ट्रेशन बिकॉज आप डॉफरेस्टेशन फॉरेस्ट एंड डिसअपियर विच रिड्यूस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो ये हमारी इनकी जो स्किन होती है वे नेचुरली होती है, तो इसलिए इसके स्किन की हमें कुछ यूज में आता है, इसलिए लोग हंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेक और योर बर्ड, ये बर्ड बना है, आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।